नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। आज हम बनाएंगे मटर की कचौड़ी। उसे आप गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, सूजी से भी बना सकते हैं, मैदे से भी बना सकते हैं या मिक्स करके भी बना सकते हैं। ये बहुत अच्छी बनेगी। मटर का सीजन है, मटर का सीजन तो है ही, पर इसको हम स्टोर भी करके रखते हैं मटर को, तो हम हर टाइम हमारे पास मटर होती है। और इसको हम आलू की सब्जी के साथ जैसे संडे का एक अच्छा नाश्ता सा बनाने जा रहे हैं। अभी हम बना रहे हैं मटर की कचौड़ी, और इसके लिए मैं ले रही हूँ, अगर आप ऐसे कप देखेंगे तो एक कप है मैदा, एक कप है गेहूं का आटा। अगर आप ग्राम्स में देखेंगे तो दोनों मिलाकर 250 ग्राम के आसपास है। तो मैंने आधा लिया है मैदा और आधा ले रही हूँ गेहूं का आटा। आप चाहे तो पूरा ही गेहूं का आटा यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप इसमें सूजी भी ऐड कर सकते हैं, तीनों को बना सकते हैं। हमने एक बहुत पहले बनाया है, एक बेंगलोरी, जो मैंगलोरी नाश्ता होता है, और वो अक्सर जो पूरी टाइप की बनाई जाती है उसमें साउथ इंडियन मसाला भरते हैं, और जिसकी वजह से वो पूरा 8 दिन तक आप उसको ट्रैवलिंग में ले जा सकते हो, कहीं रख सकते हो जहाँ आपको ऐसे सूखा नाश्ता चाहिए। वो चाय के साथ बनाया जाता है, बड़ा फेमस नाश्ता है मैंगलोरी नाश्ता। तो वो आप उसका वीडियो आप जरूर देखें, लिंक मैं डाल दूंगी। तो वो बहुत ही बढ़िया है, उसमें साउथ इंडियन मसाला डालता है। और दूसरा, ये जो आज हम बना रहे हैं, ये कचौड़ी बना रहे हैं मटर की, तो हम इसमें गेहूं का आटा और मैदा लिया है। और इसके लिए क्योंकि 250 ग्राम हमारे पास आटा है दोनों मिलाकर, तो हमने इसमें 3 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल लिया है, जिसे हम थोड़ा गर्म कर लेते हैं मोयन के लिए, जिससे ये कचौड़ी बहुत खस्ता बने। और चाहे तो आप घी भी डाल सकते हैं। और इसमें हम डाल रहे हैं स्वाद अनुसार नमक, बस और कुछ नहीं डालना है हमें। ये ऑयल गरम करके इसमें डालना है। ये ऑयल गरम हो चुका है, अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका आटा बनाएंगे। कचौड़ी है तो कचौड़ी का आटा हमें कभी भी टाइट नहीं बनाना चाहिए। कचौड़ी का आटा हमें ऐसा होना चाहिए सॉफ्ट, नरम, जिससे हम हाथों से ही इसकी कचौड़ी बना सकें। ये देखिए, हमने इस आटे को गूंथ लिया है, और ये देखिए सॉफ्ट है, जैसे हमारा रोटी का आटा होता है। अब इसे रेस्ट करने के लिए हम रख देते हैं 15 से 20 मिनट ढककर। तब तक हम इसकी फिलिंग बनाएंगे और आलू की सब्जी बनाएंगे। तो अब हम बना रहे हैं मटर की कचौड़ी, तो मटर की फिलिंग बनानी पड़ेगी। तो मैंने एक बाउल ले लिया मटर, मेरे पास सीजनल मटर है, आपके पास जो भी मटर हो उसे यूज़ कीजिए। इसे हमें मिक्सी में पीसना है बिना पानी के, हल्का दरदरा करना है, पूरा भी नहीं पेस्ट बनाना है, दरदरा करना है। तो इस तरीके से हमने उसे दरदरा कर दिया। एक पैन लेंगे, उसमें हम 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डालेंगे, इसमें आधा चम्मच लेंगे जीरा, 1 हरी मिर्च, थोड़ा सा लेंगे हम ग्रेट किया हुआ अदरक, अब हम लेंगे 1/4 टीस्पून हींग पाउडर, अब लेंगे हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 2 चम्मच लेंगे हम बेसन। गैस लो कर देंगे, इस बेसन को 2-3 मिनट के लिए भूनेंगे। बेसन से मटर के साथ एक तो बाइंडिंग हो जाती है और उसका फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मसाले आप हमेशा अपने अकॉर्डिंग ही डालिए, जैसे आपके घर में चलते हैं। अब आप डाल देंगे मटर। मटर में हमने पानी नहीं डाला, लेकिन मटर का मॉइस्चर होता है, तो इसे आप अच्छे से सुखाएं, 5-7 मिनट लगेंगे और इसे मटर का पानी बिल्कुल सूख जाए, क्योंकि ये कचौड़ी हम रख भी सकते हैं, ट्रैवलिंग में भी ले जा सकते हैं, तो इसे मसाले को सुखाना बहुत ज़रूरी है। एक हमने और भी कचौड़ी डाली है, जोधपुर की कचौड़ी, प्याज वाली कचौड़ी, उसे भी आप ज़रूर देखें। उसके लिए भी मैंने आपको उसमें यही बताया है कि आप उस कचौड़ी को अधकची बनाकर 1 वीक या उससे भी ज़्यादा रख सकते हैं,
तो ये दोनों टाइप की जो कचौड़ी है वो आप जरूर देखें। अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो उन्हें कई बार हमारे पुराने वीडियो नहीं पता रहते, तो आप उन्हें जरूर देखें। अब ये देखिए 3-4 मिनट हो गए, ये सूखती जा रही है और धीरे धीरे अब हम गैस स्लो करके इसमें मसाले भी डाल रहे हैं। अब हम जो मेन मसाला इसमें डालेंगे वो है सौंफ। सौंफ आपको साबुत पसंद ना आए तो आप इसे दरदरा कूट कर डालें। मैं 1 टेबल स्पून सौंफ डाल रही हूँ। मैं स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल रही हूँ, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर डाल रही हूँ, इससे भी इसका टेस्ट बहुत बढ़ेगा, और थोड़ा सा गरम मसाला, 1/2 चम्मच भुना जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच डालेंगे हम चाट मसाला। अब ये मसालों के साथ भी जो इसका मॉइस्चर होगा वो कम हो जाएगा, पूरा सूख जाएगा ये मसाला। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। उस हरे धनिए को भी हम 1 मिनट के लिए सेक लेते हैं और फिर इस मिश्रण को हम ठंडा करेंगे। अब ये पूरी तरीके से ड्राई हो चुका है, गैस बंद कर देते हैं। इस मसाले को हमें थोड़ा ठंडा करना होगा, तब तक हम बना लेते हैं आलू की सब्जी जिसके साथ हम इस कचौड़ी को खाने वाले हैं। अक्सर हमें छुट्टी वाले दिन ही ऐसा लगता है कुछ हैवी सा नाश्ता मिल जाए कि दोपहर का खाने से हो जाए छुट्टी, तो हम इस तरीके का ही बनाने जा रहे हैं जिससे आपको बड़ा मज़ा आएगा, पेट भी भरेगा और टेस्ट भी बहुत आएगा। तो 1 टेबल स्पून ले रहे हैं हम ऑयल, उसी पैन को ले लिया है हमने और इसमें डालेंगे हम 1/2 चम्मच जीरा, 1/4 टीस्पून हींग। इसमें हींग का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी अदरक ग्रेट की हुई और थोड़ा सा हरी मिर्च और गैस स्लो करेंगे, धीरे धीरे ये पकने दीजिए, तब तक हम मसाले निकाल लेते हैं। तो मसालों में हमें क्या क्या चाहिए वो आप देख लें। हम ले रहे हैं नमक स्वाद अनुसार, हमारे पास 2 बॉयल्ड आलू हैं और इसको हमने क्रश कर दिया है हाथों से, तो नमक हम स्वाद अनुसार ले रहे हैं। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर लेंगे, 1/2 चम्मच हम लेंगे लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच लेंगे हम अमचूर पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच हम लेंगे भुना जीरा पाउडर, 1 चम्मच लेंगे हम धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच लेंगे हम चाट मसाला। अब इसमें सबसे पहले हम 1/2 चम्मच डाल रहे हैं काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जिससे कलर बहुत अच्छा आए। उसके बाद ये सारे मसाले डाल, इन मसालों को हम भूनेंगे और इस सब्जी में हम प्याज लहसुन टमाटर कुछ भी यूज नहीं करेंगे। मसालों को भूनेंगे, जब जब हमें लगे कि मसाले जलने का डर है तब हम थोड़ा थोड़ा इस करके इसमें पानी डालेंगे। तीन चार बार हमें इस तरीके से भूनना भी है, इसमें पानी भी डालना है, जब तक कि ये ऑयल बिल्कुल अलग ना हो जाए। ये देखिए मसाला बिल्कुल ऑयल छोड़ दिया मसाले ने। अब हम डालेंगे इसमें आलू, आलू को काटिए नहीं हाथों से, इस तरीके से छोटे बड़े होने चाहिए पीस। कुछ मैश हो जाए कुछ मोटे रह जाए। अब इस सब्जी में थोड़ा सा तीखा फ्लेवर लाने के लिए हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा लौंग पाउडर और थोड़ी सी काली मिर्च। थोड़ी सी मैंने लिए काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा लौंग पाउडर और अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी इसमें अच्छे से डालिए, हरा धनिया, थोड़ा सा मैश कर दिया है जिससे आलू काफी हद तक मैश हो जाए। थोड़ा हम पानी और डाल देते हैं क्योंकि ये पतला वाला होगा तो ज्यादा अच्छा।
अब देखिए ये स्पाइसी भी है और खट्टा भी है, थोड़ा सा हम इसमें मीठा टेस्ट भी डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा इमली का पल्प। अब इसको ढककर 2 मिनट के लिए पका देते हैं। तैयार हो गई है सब्जी। ये देखिए मज़ेदार लाल रंग की जो हमें मिलती है कचौड़ी के साथ सब्जी, वो हमारी तैयार है। हमें इसकी कंसिस्टेंसी भी ऐसी ही चाहिए। अब गैस बंद कर देते हैं। हमारी सब्जी तैयार है और हमारी जो मटर की पिट्ठी थी वो भी ठंडी हो चुकी है। अब हमें इसको 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, जब तक हमारी मटर की भी पिट्ठी बन गई और सब्जी बन गई। अब हम इसकी बनाएंगे कचौड़ियाँ। इसे हमने हाथों से फैला दिया है। यहाँ पे थोड़ा सा पानी लगाइए और यहाँ पर आप पीठी रखिए। ये देखिए अब इसको आप आराम से सब तरफ से मिलाते जाइए। और ये सब मिलाने के बाद ये जब पूरी तरीके से मिल जाए तब आप इसको दोनों हथेलियों से इस तरीके से इसका ये ऊपर वाला पार्ट हटा दीजिए। अब आप थोड़ा सा मैदा या गेहूं का आटा लीजिए और इसे हाथों से ही इस तरीके से दबा दीजिए। बस ये हमारी तैयार। फिर हम दूसरी लेंगे, उसे भी इस तरीके से हथेली से थोड़ा सा पानी लगाएंगे, यहाँ पीठी रखेंगे और पीठी पूरी तरीके से ड्राई है और ठंडी हो चुकी है। ऐसा करने से इसका जोड़ भी नहीं दिखता और ये खुलने का भी डर कम होता है। इस तरीके से हाथों से ही इसे दबा दीजिए। हमने ऑयल रख दिया है, ऑयल जो है मीडियम फ्लेम हो, बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं और बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं। इस तरीके से अभी हमने 3 डाली हैं, थोड़ा सा ये पक जाए फिर हम साइड से 2 और भी डाल देंगे। अभी 5वीं भी डाल देते हैं। और किसी नुकीली चीज से न चलाइए, धीरे धीरे सिकने दीजिए। अब हमने गैस की फ्लेम थोड़ी सी बढ़ा दी है क्योंकि 5 कचौड़ियों को आंच पहुंचनी चाहिए। इस तरीके से हम इसे पलटेंगे जब ये ऊपर तैरने लगती हैं। कढ़ाई छोटी है, जगह कम है, पर कोई बात नहीं, बन जाएंगी। अब देखिए अब हमने आंच थोड़ी और कम कर दी जिससे थोड़ी सी मटर की कचौड़ी सिके। हालांकि हमने बहुत ज़्यादा मोटी नहीं बनाई है, पतली बनाई है। ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आ रहा है उसमें। ये देखिए फूल भी रहे हैं, बहुत बढ़िया मज़ेदार सी कचौड़ियाँ। और बिल्कुल आपको मेहनत नहीं लगेगी इसे बनाने में। आप खुद कहेंगे कि बिल्कुल बिना मेहनत किए, हमने कोई सोडा बेकिंग पाउडर कुछ यूज़ नहीं किया। एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगी, मैंने प्याज की कचौड़ी जो डाली है उसमें मैंने एक बार फ्राई करके उसे फ्रीज किया है, तो इसे भी आप कर सकते हैं। एक बार फुल गैस पे फ्राई करके आप इसे भी फ्रीज कर सकते हैं 10 से 12 दिन 15 दिन जब आपका मन करे। उसे केयरफुली रखना होगा क्योंकि एक दूसरे में चिपके नहीं। फिर आप इसे दोबारा भी इसे फ्राई कर सकते हैं। तो आप ये दोनों तीनों वीडियो जरूर देखें, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी।
अभी बहुत ही मजेदार सिख चुकी हैं, क्योंकि हमने गेहूं का आटा भी डाला है, इसकी वजह से भी ये काफी क्रिस्पी रहेंगी। मैं दिखाती हूँ, बाहर से देखिए कितनी क्रिस्पी है, आटे की वजह से ये काफी क्रिस्पी है। और ये देखिए तोड़ने में ये आराम से टूट जाती है। ये देखिए मटर की फिलिंग बहुत ही मजेदार, ये देखिए मटर की फिलिंग देखिए कितनी अच्छी दिख रही है, और पूरी पूरी तरीके से फिलिंग उसमें है। तो बस छुट्टी वाले दिन कभी कभी हमें मन करता है कुछ अच्छा खाया जाए, कुछ टेस्टी खाया जाए, कुछ मन का खाया जाए, क्योंकि छुट्टी वाले दिन अक्सर सब इकट्ठे होते हैं तो कुछ बनाने का मन भी करता है, और कुछ हैवी सा बन गया तो हम लंच से फ्री हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।